अनंत भला तो सब भला, क्या समझे तो क्या माना जाए? आप समझदार हो सर, गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग को लेकर होगा, कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साथ हो जाएंगी बहुत जल्दी। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना, अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। यूपी में इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बुधवार को गठबंधन का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा और सीट शेयरिंग पर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर कहा कि अंत भला तो सब भला। अगले जी कौन चल रहा है राहुल गांधी जी की यात्रा का? दो जगह आप शामिल नहीं हो पाए। अंत भला तो सब भला, क्या समझे तो क्या माना जाए? आप समझदार हो सर, गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगे बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अगर बात सब पुरानी होगी, अरे यहाँ पर दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो, मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी की अंत भला तो सब भला, समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात करी है और वो कह रहे हैं कि पीडीए को जो है बर्बाद कर दिया है, पीडीए में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव गठबंधन, आपका नाम, आपका नाम लेकर के निशाना साफ, कोई बात नहीं, ये राजनीति, कांग्रेस में जाने, राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना, अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, किसान दिल्ली कूच के लिए जा रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ, नहीं होगा, क्यों सोचते हो आप? मैं कह रहा हूँ पत्रकार साथी, क्या बात मैंने कही, उसी में से सब कुछ निकाल लो और दो घंटे बाद सब पता लग जाएगा। जहाँ कांग्रेस अपनी सीटें मांग रही थी वहां तो आपने घोषणा कर दी थी जरा। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको चिंता और हमें इस बात की फिक्र करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर्यायवाची है भ्रष्टाचार की, ये नहीं दिखाई दे रहा हमें। अच्छा, स्वामी प्रसाद जी ने नई पार्टी बना ली है, क्या इंडिया में उन्हें जगह मिल पाएगी इंडिया गठबंधन में? देखिए इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ चुका है। बता दे, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को वही सीटें ऑफर की हैं जहां उसकी स्थिति कमजोर है। जब आप इन सीटों का इतिहास देखेंगे तो 17 में से 7 सीटें ऐसी हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी अपने 32 साल के इतिहास में आज तक नहीं जीत सकी। इसके अलावा दूसरी 7 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार जीती और 3 सीट पर सिर्फ 2-2 बार जीती।